उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में दो साल बाद रंग पंचमी के रंग दिखे। कोविड पाबंदियां हटने के बाद भक्तों ने बाबा के आंगन में होली खेली। माहौल ब्रज की होली से कम नहीं था। सुबह भस्म आरती में महाकाल को टेसू के फूलों से बना रंग चढ़ाया गया। पंडे पुजारी और श्रद्धालु हर्बल रंगों से सराबोर दिखे। टेसू से तैयार केसरिया रंग को गर्भगृह से नंदी हॉल तक उड़ाया गया। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। शिवराज सरकार ने बढ़े हुए 11% की महंगाई भत्ते के आदेश जारी कर दिए हैं। अब वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद एमपी के कर्मचारियों को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे प्रदेश के 4,50,000 कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 31% महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। इससे बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में 25,000 तक का इजाफा होगा। प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि कमलनाथ ने किसानों के पैसे से ही उनका कर्ज माफ किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ की कर्ज माफी के चलते मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अब भी करीब 3,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। किसानों को खाद बीज न मिलने के लिए भी पूर्व की कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के पेज के बीच निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, जो 1 महीने तक चलेगा। इसके बाद वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल मई जून में चुनाव को लेकर कोई फैसला हो सकता है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां भी तैयारी में जुटी है। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।